सो दोस्तों, इंडिया का फर्स्ट जी फोर्स आरटीएक्स 3060 जीपीयू के साथ एसर नाइटो 5 गेमिंग फाइनली लॉन्च हो चुका है, जिसको आप लोग बाय भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस लैपटॉप का फुल स्पेसिफिकेशन, प्राइस और मेरा क्या ओपिनियन इस लैपटॉप के बारे में सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए, और साथ ही साथ अगर आप लोगों को फ्यूचर में भी ऐसे ही कॉन्टेंट्स का नोटिफिकेशन टाइमली चाहिए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। सो आरटीएक्स 3060 जीपीयू के साथ एसर नाइटो 5 का दो वेरिएंट एसर के ऑफिशियल साइट पे आप लोगों को लिस्टेड देखने को मिल जाएगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कोई भी फिलहाल के लिए बाय नाउ का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोगों को अगर बाय करना है दोस्तों, तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोगों को लेके आ जाएगा अमेज़न इंडिया के ऑफिशियल साइट पे, जहां पर आप लोगों को ये लैपटॉप देखने को मिल जाएगा बाय नाउ के ऑप्शन के साथ। और इसका प्राइसिंग भी आप लोग देख सकते हैं, जो कि है अंडर 90 के। तो प्राइसिंग तो मुझे काफी एग्रेसिव लगी, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आप लोगों को आरटीएक्स 3060 ये लैपटॉप प्रोवाइड कर है दोस्तों। लेकिन जीपीयू के अलावा भी अगर आप लोग यहां पर सीपीयू में नजर डालें दोस्तों, तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि 2021 में भी आप लोगों को i5 10th जनरेशन का ही सीपीयू प्रोवाइड किया जा रहा है एसर की तरफ से, जो कि मैं कहूंगा एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज यहां पर इस लैपटॉप का कह सकते हैं। यह दोस्तों पावरफुल जीपीयू तो दे दिया गया है, लेकिन अगर आप लोगों को एक बहुत ही लो एंड सीपीयू दिया जा रहा है तो कोई भी यहां पर मतलब बनता नहीं है इस लैपटॉप का, क्योंकि यहां पर अगर आप लोग इतना पावरफुल जीपीयू ले लेंगे और इतना कमजोर सीपीयू अगर आप लोग लेते हैं तो बॉटलनेक का इशू आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इस लैपटॉप के साथ। तो मुझे तो यहाँ पर ऐसा का कुछ प्लानिंग समझ नहीं आया कि ये क्या कॉम्बिनेशन दिया गया है स्पेसिफिकेशन में, कि इतना पावरफुल जीपीयू के साथ इतना मतलब लो एंड सीपीयू का कॉम्बिनेशन क्यों दिया गया है, यहाँ पर राइजन के सीपीयू क्यों नहीं यूज किया गया, यहाँ पर आप लोगों को 11th जनरेशन के भी सीपीयू देखने को नहीं मिले हैं, एटलीस्ट आप लोगों को i7 देना चाहिए था यहाँ पर। लेकिन अब क्या ही कर सकते, एसर को जो अच्छा लगा यहाँ पर उन्होंने ये किया, आप कुछ भी यहाँ पर कह नहीं सकते। 2020 से हम लोग ये चीज देखते हुए आ रहे हैं। बाकी स्पेसिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो स्टोरेज आप लोगों को अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 8GB का रैम देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर मैं कहूंगा उतना बढ़िया है नहीं। आप लोगों को 16GB रैम का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन एसर के ऑफिशियल स्टोर पे ही आप लोगों को देखने को मिलेगा फिलहाल के लिए, लेकिन कोई भी बाय नाउ का ऑप्शन दिया नहीं गया है। और फ्यूचर में आप लोगों को अमेज़न पे भी देखने को मिल जाएगा, तो उसके लिए मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा जैसे ही अवेलेबल होता है। बाकी स्पेसिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 15.6 इंचेस का फुल एचडी का डिस्प्ले आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, 144 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट का ऑप्शन है, जो कि एक अच्छी बात मैं यहाँ पर कहूंगा। और एक बात मैं और भी आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि ये 2021 का मॉडल नहीं है दोस्तों। आप लोग अगर इसका टच पैड का बॉर्डर्स देखने की कोशिश कीजिएगा तो आप लोगों को यहाँ पर रेड कलर्स देखने को मिलेंगे, जो कि आप लोगों को 2021 के मॉडल में देखने को नहीं मिल रहा था, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था एक वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके आप लोग उसको जरूर देखिएगा। तो इसी से पता चलता है कि ये 2021 का मॉडल नहीं है, 2020 का ही मॉडल में आप लोगों को सिर्फ आरटीएक्स 3060 का जीपीयू ऐड करके दे दिया गया है, जो कि अगेन मैं कहूंगा एसर ने ये चीज ठीक नहीं किया है। 2021 का मॉडल यहाँ पर देना चाहिए था, ये लैपटॉप आप लोगों को पिछले साल ही देखने को मिल जाना चाहिए था, आप लोगों को आरटीएक्स 2060 का जीपीयू के साथ भी देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। मैं तो इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन से ज्यादा खुश नहीं हूं दोस्तों। ओवरऑल लैपटॉप बहुत ही अच्छा यहाँ पर स्पेसिफिकेशन दिया गया है, एक्सेप्ट यहाँ पर आप लोगों को i5 10th जनरेशन दिया जा रहा है। इसको अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को ये लैपटॉप उतना बढ़िया देखने को मिलेगा नहीं, प्राइसिंग कहे, स्टोरेज कहे, ये सारी चीजें आप लोगों को काफी बढ़िया दिया गया है, ओवरऑल डिस्प्ले काफी बढ़िया है, तो ओवरऑल ये लैपटॉप बढ़िया है दोस्तों। लेकिन मेन जो आप लोगों को यहाँ पर जो सीपीयू एक लैपटॉप में मेन रहता है दोस्तों, अगर सीपीयू आप लोगों को अच्छा नहीं मिलेगा तो कैसे आप लैपटॉप में बढ़िया सा वर्क कर पाएंगे, कैसे आप लोग आरटीएक्स के जीपीयू को काम में लगा पाएंगे, तो ये आप लोगों को देखने वाली बात है। आप लोग भी मुझे अपना ओपिनियन बताइएगा, और भी स्पेसिफिकेशन अगर आप लोगों को जानना है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक को आप लोग फॉलो करके आके देख सकते हैं। लास्ट में ये कहूं दोस्तों कि आप लोगों को लैपटॉप लेना चाहिए कि नहीं, तो इसी प्राइस रेंज में आप लोगों को इंटेल i7 के ही प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप लोगों का काम सीपीयू इंटेंसिव ज्यादा है दोस्तों, तो आप लोग अच्छे सीपीयू वाले ऑप्शन के साथ जाए, लेकिन अगर आप लोगों को आरटीएक्स 3060 पसंद आ रहा है, अगर आप लोग जीपीयू ज्यादा अच्छा चाहते हैं, तो आप लोग इस वेरिएंट के साथ जा सकते हैं। प्राइसिंग बहुत ही बढ़िया रखा गया दोस्तों, लेकिन एसर ने यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी सीपीयू के मामले में। एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग कि 1 लाख के अंदर i7 के सीपीयू भी लेके आए या फिर राइजन के सीपीयू लेके आए। फ्यूचर में मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा जैसे ही वो वेरिएंट आता है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, अपने दोस्तों फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसी सारे बातों के साथ आज का ये वीडियो एंड करते हैं, तब तक के लिए आप लोग सेफ रहिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।